हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को ऐसा एआई टूल बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग कोई भी वीडियो बनाइए ओके, और उसका अगर आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं उस एआई के मदद से। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए बात करें इस एआई का नाम क्या है। तो इसका नाम आपका है runway.ai.com ओके। इस पे जाके आप लोग कोई भी वीडियो क्यों ना हो उसका आप लोग बहुत आसानी से बस एक क्लिक में आप लोग उसका पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं ओके। तो पहला जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से खुलेगा ओके। यहाँ पर जब आप सबसे पहली बार आएंगे तो यहाँ पे आप लोग वो एक साइन अप कर लेना होगा, या तो आप लोग गूगल अकाउंट से कर सकते हैं, और दो ऑप्शन और भी हैं इसमें ओके, जिसकी मदद से आप लोग यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं ओके। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है ट्राई रनवे फॉर फ्री ओके। यहाँ पे आप लोग ओपन कर लीजिएगा। अब चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ समय लेगा ओके, कुछ सेकंड का समय लेगा और ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से ओपन हो गया। इसका अगर आप लोग इसका इंटरफेस देखें तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिल जाता है करने का। यहाँ पे आप लोग कुछ लिखेंगे तो उसका आप लोग 3D बना सकते हैं ओके। मैंने इसको भी ट्राई किया था ठीक है, उसको मैं अगले वाले वीडियो में कवर करूंगा। आज के वीडियो में बस हम लोग बात करेंगे कि एक वीडियो से हम लोग बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं ओके। दूसरा अपना बनाना करते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वीडियो एडिटर प्रोजेक्ट्स ओके। यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक कर लेना ओके। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट पहले ही बनाया जो कि 4 घंटे पहले मैंने बनाया था ओके। यहाँ पे मैंने ट्राई किया था काम कर रहा है कि नहीं। हाँ भाई, इसका जो बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका बहुत ही अच्छा है ओके। मैंने देखा है इसके बैकग्राउंड जब रिमूव करता है तो कोई भी चीज पीछे नहीं बचता ओके, केवल ब्लैक स्क्रीन या फिर ग्रीन स्क्रीन ही बच जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या क्लिक करना होगा। सबसे पहले नए प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है ओके। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं, वीडियो कंपोजिशन ओके। ये 3 तरीके से हो सकता है, या तो ग्रीन स्क्रीन, या तो इम्पैंटिंग और इम्पैंटिंग ठीक है, या फिर मोशन ट्रैकिंग ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले आ जाना वीडियो कंपोजिशन पे ठीक है। आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों का ओपन होना शुरू हो जाएगा। अब ये आपका ओपन हो गया। अब देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों का पीसी या फिर लैपटॉप में जो आप लोगों का फाइल है या और उस फाइल में जो वीडियो है उसको, जो वीडियो आपको क्या करना है रिमूव करना है बैकग्राउंड उसका। यहाँ पे आप लोगों को अपलोड का ऑप्शन देता है, यहाँ पे अगर क्लिक करें तो आप लोगों का खुल जाएगा फोल्डर ओके। अब यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया जो कि वॉइस का, यहाँ पे आप लोग ओपन करेंगे तो ये कुछ समय लेता है ठीक है अपलोडिंग होने में। अब देखिए यहाँ पे जब ये अपलोड हो रहा है तो यहाँ पे लिखा होता है 0% अभी अपलोड हुआ है ओके। तो अब ये वीडियो इस तरफ दिख जाएगा, कहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे पुनः आप लोगों को दिख जाएगा। फाइल नेम क्या है, वॉइस फाइनल रिविजन और MP4 ठीक है। आपका ड्यूरेशन कितना है, 12 मिनट 21 सेकंड का। डेट अपलोड कितना है, 5 जून 2024 यानी कि आज का ही है ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या क्लिक करना होगा, ऐड टू टाइमलाइन पे आपको आ जाना है। तो देखिए आप लोगों का जो वीडियो है यहाँ पे आपको शो होने लगेगा और यहाँ पे आपको ये टाइमलाइन है ओके, यहाँ पे ये दिखने लगेगा। अब जो बैकग्राउंड होता है उसको एक क्लिक में आप लोग क्या कर पाए, डूर कर पाए ओके, बहुत ही आसानी से ठीक है। तो इसको मैं कर बताऊंगा। अब देखिए हम लोगों के स्क्रीन पे ये वीडियो आ चुका है। अब इसका हम लोगों को क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो चलिए कोशिश क्या करना है, मुझे मालूम है कैसे करना है, मैंने प्रैक्टिस किया एक बार ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ये टाइमलाइन पे आ गए, यहाँ से आप लोग इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका वीडियो प्ले हो रहा है ठीक है, सॉरी ये आप लोगों का वीडियो प्ले हो रहा है ठीक है। अब देखिए अब चाहे तो आप लोगों का ये देखिए, ये आपका आगे पीछे करने का जो ये रेड हो रहा है इसको यहाँ से करेंगे तो ये आपका आगे पीछे होता है वीडियो ठीक है, और यहाँ से क्या होता है वीडियो प्ले होता है ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए ये आपका कुछ वीडियो ऐसे चल रहा है। अब इसका हमें क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इसके लिए आप लोगों को कहाँ जाना होगा, आप लोगों को भी चलिए ऑप्शन हमें खोजा जाए ठीक है। अब इधर ही आपको क्या मिलता है, ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है ठीक है। आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन ओपन कर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस हो रहा होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको जो क्लिक ऑन एन एरिया टू स्टार्ट मास्किंग ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, पहले क्लिक करना होगा एक अपने माउस से ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अपने वीडियो पे आकर वहाँ पे साइड बाई साइड आप जब क्लिक करेंगे तो जो आप लोगों का फेस होगा या फिर जो आपका पूरा बॉडी होगा उसको वो क्या करेगा, ग्रीन स्क्रीन में पहले ग्रीन पूरा ग्रीन कर देगा ओके। उसके बाद पूरा ये बैकग्राउंड हटा देगा। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं लोड हो रहा है ओके, लोड हो गया ठीक है। अब चलिए चलते हैं बिना बकवास के, चलते आइए ठीक है। चलिए अब देखिए फिर से मैं क्लिक करता हूँ ठीक है, यहाँ पे हटा देंगे ठीक है। ये आपका बॉर्डर अच्छे से क्या करता है, अपने आप ही ये क्लिक कर लेता है ठीक है। ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है ओके। अगर अभी नहीं हो पाया मतलब नेट अगर स्लो होगा तो इसके पहले मैंने किया उसको मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है। बैकग्राउंड वाला आप लोग कर सकते हैं, नेट हो सकता है स्लो हो तो कहीं दिक्कत ना करें इसके लिए। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना होगा, क्लिक करते चले जाना है ठीक है। और ये आपको ले लेगा, देखिए धीरे धीरे मैं क्लिक कर लूँगा कि नहीं, बस आपको ऐसे ही करते रहना है ठीक है। चलिए मैंने एक फिर से अपने क्या किया, एक पेज खोल दिया रनवे का ओके, दूसरा पेज। ये हम लोगों का पहला पेज ये है ओके। देखिए कुछ इस तरीके से आपका क्या करेगा, ये पूरा ग्रीन कर देगा ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपको पूरा ग्रीन कर दिया आपके पूरे फेस को ठीक है। और यहाँ से आप लोग चाहे ये देखिए ट्रांसपेरेंसी है, ये आपको क्या करना है बैकग्राउंड जो है इसको देखिए ये पूरा जीरो जीरो कर देने लगता है ठीक है यहीं से। अब देखिए अब इसी को हमें क्या करना होगा, यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर लेना होगा, ये आपको पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर लेगा ओके। तो यहाँ पे नेट अभी क्या है शुरू है तो थोड़ा समय ले रहा है ठीक है। तो मैंने 4 घंटे पहले मैंने एक ट्राई किया था ओके, उसी को मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे काम करेगा। ये आपका सेकंड लास्ट प्रोसेस है ठीक है। ये जो आप लोग यहाँ पे पूरा बॉडी क्या किया ग्रीन कर दिया ओके। अब यहाँ पे आप लोग एक क्लिक करेंगे आप लोगों का पूरा ग्रीन स्क्रीन आ जाएगा ठीक है। और ये क्या होगा कि जो आपका बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देगा ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फिर से डैशबोर्ड, यहाँ पे हमें वीडियो एडिटर प्रोजेक्ट में देखिए 5 घंटे हो गए ठीक है। इसको हम लोग ओपन करते हैं, यही मैंने सबसे पहला बनाया था यहाँ पे ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाएगा ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको ओपन करके, आइए ये देखिए ओपन का ऑप्शन आ गया ओके। कुछ समय लेगा यहाँ पे ओपन होने में, ये आप लोग
लोग ओपन आ गया। देखिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इसका पूरा पूरा रिमूव कर लिया बहुत आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खुल रहा है, ठीक है। तो यही मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका क्या लास्ट प्रोसेस है, ठीक है, इसी का। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ समय लेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, वीडियो कॉल ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है, यही तो है जो हमें बैकग्राउंड को क्या करना था, रिमूव करना, ठीक है। ये मैंने पहला प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, ओके। इसी तरीके से क्या होगा कि आपका पूरा पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आप लोग घर पर बैठे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लैपटॉप का स्क्रीन अगर है, अब इसको आप लोग चाहे तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बैकग्राउंड में कुछ लाया तक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूरा पूरा बैकग्राउंड आप लोग का क्लियर है। अब आप लोग जो चाहे बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, ओके। ये आप तो चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसके होम पेज पे। आप लोगों को होम पेज पे क्या है, वीडियो एडिटर प्लेट्स में आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यू प्लेट मिल जाएगा, ओके। वीडियो कंपोजिशन आप लोगों को क्लिक कर देना, ओके। उसको आप लोगों को खोल देना है, यहाँ से इस तरीके से खोल लीजिएगा, ठीक है। खुल जाने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को एक ग्रीन स्क्रीन का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसको आप लोगों को क्या कर लेना होगा, आप लोगों को वहाँ पे क्लिक कर लेना। पहले तो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड आके अपना एक फाइल अपलोड कर लेना होगा, ठीक है। और जो आप लोग फाइल अपलोड करेंगे वो यहाँ पे ऑटो से भी कर लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद इसको आप लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड में आपको ऐड टू टाइमलाइन में आने का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या ऑप्शन दिया है, आप लोगों को यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन इंपैक्टिंग मोशन टेक, ये सब के सब ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप लोग सिंपली ग्रीन स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे राइट साइड आपको लिखा है क्लिक ऑन एरिया टू स्टार्ट मार्किंग, यहीं पे आप लोग क्लिक कर देना है। और उसके बाद अपने फेस पे आके यहाँ पे एक क्लिक करके ग्रीन ग्रीन करके साइड साइड में पूरे फेस पे लगा देना, ओके। उसके बाद जो आपका बॉडी है पूरा पूरा क्या ग्रीन में चेंज हो, ठीक है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ओके। एक एक करके आपको ये क्या कर लेना, क्लिक करके लगा देना, ठीक है। यहाँ पे आपका 10-15-50 सेकंड लगभग लगेगा, ओके। आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। और उसके बाद आप लोगों का ये पूरा पूरा जो बॉडी है उसको ग्रीन करेगा, बैकग्राउंड आप लोग क्या करेगा, रिमूव करेगा क्लिक में, ओके। ये यहाँ पे नेट शुरू है तो मैं आपको ये करके भी दिखा रहा हूँ, ओके। मैंने आप लोगों को दो पेज के माध्यम से समझा दिया कैसे होगा, ठीक है। अब मैं कल मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का।